हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज इतनी खुश हूं, चहक रही हूं, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है इसके पीछे का। मेरे जितने भी लोग फॉलोअर्स हैं, मैं गारंटी दे सकती हूं, जब भी वो वीडियो की शुरुआत में मुझे देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आज ममता कुछ सैड बोलने वाली है, हैप्पी बोलने वाली है, किसी चीज के बारे में बोलने वाली है, क्या करने वाली है। यू गाइज नो मी मोर देन माई सेल्फ आई बिलीव, क्योंकि हमें भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े बहुत सारे साल हो गए हैं। तो अभी आपको पता है कि जून में अहान का बर्थडे था, अभी इसके बाद किसका बर्थडे आ रहा है, इसके बाद बर्थडे आ रहा है मेरा, मेरे बर्थडे के बाद आ रहा है बर्थडे शर्मा जी का। शर्मा जी और मेरे बर्थडे में सिर्फ 8 दिन का गैप रहता है, मेरा रहता है 20 अगस्त का, उनका होता है 28 अगस्त का, जिसके चलते दोनों में से एक की पार्टी ही हम हमेशा धूम धमाल से करते हैं। और ऑफकोर्स मुझे शौक है बर्थडे मनाने का, और हमेशा मैं ही कुछ ना कुछ ऐसा प्लान आउट कर लेती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू फील स्पेशल, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो इस चक्कर में अमित शर्मा जी का बर्थडे तो हमेशा बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो शौक नहीं है, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना, मुझे कुछ वैसा नहीं करना। वो बहुत सिंपल इंसान है, मैं उतनी ही, जितने वो सिंपल है उतना ही मैं यू नो ब्लिंग हूं। तो एनीवे, अभी ये बर्थडे बर्थडे क्यों हो रहा है, बर्थडे बर्थडे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने बर्थडे से पहले ही एक अपने लिए सेल्फ गिफ्ट खरीदा है, जो मैं अभी सबको दिखाने वाली हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑल वेमेन दे लव यू नो बाइंग समथिंग, और स्पेशली जब वो चीज एक्सक्लूसिव होती है जो आपके साथ बहुत लंबा टाइम रह सकती है, तो ऑफकोर्स उसको दिखाने में, उसके बारे में बात करने में और भी मजा आता है। आपको याद होगा मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको दो अपने मोस्ट एक्सक्लूसिव हैंडबैग्स दिखाए थे, इटली के बने हुए, इटली लेदर के, और उन बैग्स का नाम है टेडी ब्लेक। वो टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क उनका ब्रांड नेम है, लेकिन इटालियन लेदर वो यूज करते हैं, और लेदर जिनको पता है बहुत हाई क्वालिटी जो लेदर यूज होता है, वो चीजें लेदर की बनी हुई फॉर एवर की तरह ही होती है, क्योंकि उनकी जो बनावट है, उनको जो कलरिंग करते हैं, उनका जो टेक्सचर होता है, हर चीज को मद्देनजर रख के इस तरह से बनाया जाता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और फॉर एवर रहे। बहुत लंबा टाइम आप उन चीजों को अगर संभाल के रखो तो यूज कर सकते हो। अभी मैं बातें ज्यादा ना करते हुए आपको दिखाने लगी हूं वो बॉक्स जिसमें वो हैंडबैग आया है और कैसा दिखता है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो बाकी आपको साथ साथ में बता दूं कि उनकी अभी सेल चलने वाली है 1st of July से 5th of July, तो मुझे भी लगा कि क्यों ना अपने लिए एक बैग ऑर्डर कर ही लेती हूं, क्योंकि अगर आप कुछ पैसे बचा सकते हो तो क्यों नहीं। तो मैं आपको एक डिस्काउंट कोड भी दूंगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू इस बॉक्स को खोलते हैं, जो कि है काफी बड़ा। एंड ऑफकोर्स गिफ्ट्स तो यार मतलब दिल के बड़े करीब होते हैं, कोई भी चीज पैक ऐसे होती है ना, आती है घर के दरवाजे पे, तो मतलब मजा ही आ जाता है। तो ये बैग मतलब सॉरी बॉक्स थोड़ा सा खुला था, क्योंकि ये जब कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज आती है दुबई में, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर थोड़ी ड्यूटी वगैरह भी लगती है, तो उसको चेक भी करते हैं रस्ते में। तो पिछली बार भी उन्होंने यार मेरा बॉक्स तोड़ दिया था, इस बार भी उन्होंने मेरा बॉक्स तोड़ दिया, तो चलो इस तरह से कुछ ये बैग दिख रहा है, सॉरी बॉक्स दिख रहा है, बैग दिख रहा है। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको इस तरह से बाहर निकालते निकल जाए। ओके, सो हमारा जो बॉक्स है वो आ गया हमारे हाथ में, ये साथ में बैग भी निकल आया, लेकिन हमने बैग को तो अभी निकालना नहीं है, तो बैग को तो हम निकालेंगे साथ में। इसका बॉक्स बड़ा प्यारा है बाय द वे, इसका बॉक्स बड़ा ही क्यूट है, मतलब किसी को अगर आपने गिफ्ट करना हो तो परफेक्ट बॉक्स है, कलर कॉम्बिनेशन है और लग्जरी है बिल्कुल दिखने में ना, बड़ा प्यारा लगता है ये। तो ये निकला है उस बॉक्स के अंदर से, वो तो बड़ा रफ सा लुकिंग बॉक्स था, पर ये तो बड़ा प्रिटी बॉक्स है, सुंदर सा बॉक्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ है टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क, ठीक है जी। अब इसको हम खोल लेते हैं, साथ में देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो इसके अंदर लिखा हुआ है डिजाइनर हैंडबैग्स मेड इन इटली लग्जरी लेदर, ईच टेडी ब्लेक हैंडबैग हैज बीन मेड विद यू इन माइंड टू बी एक्सटेंशन ऑफ योर यूनिक स्टाइल, फ्लैटर यू एवरी फैशन चॉइस। तो इन लोगों का लोगो ही है कि ये सबके फैशन सेंस को मद्देनजर रखते हुए बैग्स बनाते हैं, और इनके बैग्स के डिजाइन यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बहुत अच्छा लेदर यूज करते हैं, मेड इन इटली है, और लग्जरी सेगमेंट को अगर हम देखें, जितना प्राइस बाकी बैग्स का सिमिलर क्वालिटी के
लेदर में मिल रहा है उनसे इनके रेट जो है वो बहुत कम है, और अब तो वैसे भी सेल लगने वाली है तो और भी सस्ता पड़ेगा। अगर कोई अच्छे बैग में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो इस बैग में या किसी भी स्टाइल के बैग में, मतलब इस ब्रांड के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उनका वेबसाइट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाल दूंगी। तो चलिए ये बैग में से निकल गया बाहर, अब हम बॉक्स को रख देते हैं साइड में। बॉक्स भी बड़ा खूबसूरत है, दूर रखने का दिल ही नहीं कर रहा। सो ये पैकिंग भी बड़ी अच्छी होके आता है, तो इसको इसके बॉक्स, मतलब इसके बैग से निकाल लेते हैं बॉक्स भी। देखिए कितने प्यारे तरीके से उन्होंने इसको पैक करके भेजा है, देखो आप। तो इसका जो ऊपर बैग है, ऐसे ही बैग्स में अपने बैग को ना, जो भी एक्सक्लूसिव आपकी कलेक्शन है उसको संभाल के रखना चाहिए हमेशा। तो इसको खोल लेते हैं, आपको दिखाती हूँ मेरा बैग। और बाय द वे, ये कलर का हैंडबैग मेरे पास नहीं था। पिछली बार जो मैंने मंगवाए थे, एक ब्राउन में मंगवाया था, एक मैंने लाइट ग्रीन में मंगवाया था। ग्रीन बहुत ही अजीब सा, मतलब अलग सा ग्रीन था, कॉमन ग्रीन नहीं था वो। तो दो थे मेरे पास, ये कलर नहीं था। तो ये कलर आजकल मेरी ड्रेसेस में आप देख ही रहे हो। तो ये कलर है बेज। सो बेज कलर का ये हैंडबैग है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 14 इंचेस है इनके पास। इनमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी आते हैं, ठीक है। शेप्स तो ऑफकोर्स डिफरेंट है, स्टाइल के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। पिछली बार वाले जो मैंने टेरी ब्लेक के हैंडबैग्स मंगवाए थे, उनका जो स्टाइल था वो ऊपर से इस तरह से खुले वाला नहीं था। दैट वॉज दैट यू हैव टू क्लोज इट। तो थोड़ा सा मुझे उसको यूज करने में मुझे लगा कि वो थोड़ा डिफरेंट है मेरे लिए। तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मंगवाती हूँ जिसमें मुझे ऊपर से इसको खोलना बंद करना आसान हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही खुल जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी लुक है अंदर से। इसको साथ में खोल लेते हैं। सो ये इसके साथ आई है शोल्डर पे हैंग करने के लिए, अगर आपने इस बैग को शोल्डर पे हैंग करना है। दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ प्योर लेदर। डू आई हैव टू से दैट अगेन एंड अगेन? नो। और जितनी भी इनकी एक्सेसरीज और चीजें हैं ना, मतलब बारीकी से अगर आप देखोगे, बहुत ही हाई क्वालिटी चीजें यूज की हुई हैं। और आपको एक भी थ्रेड इधर का उधर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऑफकोर्स इफ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट एंड इट्स लग्जरी सेगमेंट, तो वो ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। सो ये है वो बैग जिसको मैं बहुत टाइम से ड्रीम कर रही थी कि मुझे चाहिए एक बेज कलर का अच्छा ब्रांडेड लग्जरी यू नो बैग हो मेरे पास, जिसको मैं लेके घूमूं। तो ये फाइनली आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो इसकी क्वालिटी, आपको पता चलेगा, ठीक है। क्या इसकी देखो अंदर से प्रॉपरली बना हुआ है ये। तो इसके अंदर दोनों तरफ इस तरह से जिप नहीं है, इसके सेंटर में एक जिप दी हुई है, जो कि अच्छी बात है। एंड द साइज ऑफ द पॉकेट इज क्वाइट गुड, आप देखो, ठीक है। इसमें आप अपना छोटा सा पर्स कोई भी डाल सकते हो इसके अंदर, नहीं तो अपने कार्ड्स, कैश, कुछ भी आप छोटा सा इसमें डाल सकते हो। इट्स क्वाइट डीप है नीचे तक, ऊपर से इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं है, बिकॉज उन्होंने इसको यहां से मतलब ज्यादा लंबा वहां तक जिप नहीं दिया हुआ। सो इसका शेप थोड़ा ऐसा ही है। इसको पकड़ने के दो ऑप्शंस हैं, ऑफकोर्स ऐसे आप इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इसको शोल्डर के ऊपर ये अटैच करके भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। एडजस्टेबल है ये, आप इसको लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। और ऑफकोर्स जो ये आगे एक टंगा हुआ है ब्रांड लोगो, अगर आप इसको नहीं कैरी करना चाहते तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। आई थिंक देयर इज अ ऑप्शन ओवर हियर, आप इसको लूज करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। बट मुझे तो क्यूट लगा, प्यारा लगा। क्या इसके अंदर कोई क्वाइन ज्वाइन जाता है? नहीं नहीं, ऐसे ही है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ऊपर इनकी ब्रांडिंग यहां पे है, टेडी ब्लेक, बहुत ही मिनिमम लिखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि मुझे ब्रांड्स के ऊपर वो बड़े बड़े टांगे होते हैं ना। मैं माइकल कोर्स के कई बैग्स यूज करती हूँ, तो मतलब उनकी ब्रांडिंग हमेशा बड़ी बड़ी होती है। ऑफ कोर्स आई लव टू कैरी यू नो अदर फैशन बैग्स, लेकिन मुझे लगता है कि रादर स्पेंडिंग ऑन दोज बैग्स, इतना पैसा लगाना है तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना लूं जो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि प्योर लेदर इज इन्वेस्टमेंट। वो सारे तो प्योर लेदर नहीं रहते, जो मेरे बाकी हैंडबैग्स हैं वो भी काफी महंगे हैं कई, लेकिन उनकी जो क्वालिटी अगर मैं कहूं प्राइस वाइज, तो मैं उनके सिर्फ ब्रांड नाम का उनको पैसा दे रही हूं, उनकी क्वालिटी का पैसा नहीं दे रही। इस पे पैसे लगा के मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके ब्रांड नेम के साथ में क्वालिटी भी बाय कर रही हूं, ठीक है। सो ये बैग, ये कलर मेरे पास था नहीं, इसका पैटर्न, इसका सब चीज मुझे बड़ा पसंद आया। आप इसका ये देखो नजदीक से कि किस तरह का पैटर्न है कपड़े के ऊपर, ठीक है। हर चीज खूबसूरती से बनाई हुई है। इसके नीचे ये चीजें होनी जरूरी हैं, ताकि बैग जो है ना आपका, नीचे जब रखो तो टच ना करे जमीन को। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग दैट दे हैव गिवन दीज। मुझे ये पता नहीं इसको कहते क्या है, आई थिंक फीट ही बोलते होंगे बैग्स के, तो ये अच्छी चीज है।
और उसके अलावा ऑफकोर्स बैग बहुत ब्यूटीफुली बनाया हुआ है। और मैंने क्या बताना था आपको, अंदर इसका आप देखो एक जो प्रॉपर एक लेदर का फील है ना वो अंदर है इसके, और खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो ये है जी प्योर लेदर का मेरा बेज कलर का बैग। मुझे लगता है कि पीपल शुड चूज यू नो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो पहले मैं बहुत स्टूपिड थी, पहले मुझे होता था नहीं मुझे वैरायटी चाहिए, तो आई यूज टू बाय एनीथिंग चीपर दिस दैट। लेकिन अभी आई थिंक विद द एज आई एम ग्रोइंग आई एम नाउ बिकमिंग लाइक मोर ऑफ अ लेडी, यू नो आई वॉन्ट क्लासी स्टफ, आई वॉन्ट लग्जरी, आई वॉन्ट गुड स्टफ, यू नो। तो मैं 10 की जगह 1 ले लेती हूँ, आई डोंट बाई 10, आई बाई ओनली 1, बट आई गो फॉर क्वालिटी। एंड ये मेरा एक बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए, मैंने खुद सोचा कि नहीं मुझे एक बैग की जरूरत है और इसी बैग की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे मेरे ड्रेसेज हैं जो बेज कलर के साथ मैच करेंगे। सो आई सो वॉन्टेड टू गेट इट, सो आई गॉट इट फाइनली। बाकी इन बैग्स का क्या है, डिजाइन अच्छे हैं, इटालियन लेदर है, लग्जरी सेगमेंट में बहुत अफोर्डेबल है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्काउंट कोड्स वगैरह जो है वो नीचे आपको वीडियो के मिल जाएगी, उसको चेक कर लीजिएगा। एक बार जाके चेक करने में कोई बुराई नहीं होती क्योंकि ममता जो भी चीज आपको रेकमेंड करेगी गलत नहीं करेगी। आई नो सबका अपना एक बजट रहता है, बट फिर भी मैं कहूंगी कि 10 चीजों की बजाय 1 ले लो यार, ढंग की ले लो। अगर किसी को गिफ्ट भी देना है ना, अगर 4 दोस्त या 5 दोस्त मिलके भी किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, आई वुड से कि चीपर चीजों से अच्छा है कि 4 या 5 दोस्त अपने वही पुल इन कर लें पैसे और यू नो इकट्ठे होके एक अच्छी चीज अपने दोस्त को दे दें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ये मेरी सोच है आजकल की। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। सेल इनकी है मेरे ख्याल से 1 जुलाई से, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि मैंने पूरा वेबसाइट के ऊपर चेक किया हुआ है। इनकी सेल होने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है, तो आप उसका फायदा उठाना मत भूलना। तो इनकी 4th of July सेल बिटवीन 1st and 5th of July, हाँ पहली से 5 जुलाई तक की इनकी सेल है। तो आप इनकी वेबसाइट जरूर चेक कर लेना और उस पे आपको बहुत सारे इनके बैग्स के ऊपर अच्छे अच्छे जो यू नो डिस्काउंट्स है वो मिलेंगे। इस बैग का नाम है वेनेसा पाल्मेलेटो 14 inches लाइट बेज, अगर किसी का मन हो सीए सेम। ये $850 का था, अभी ये $509 का इनके वेबसाइट के ऊपर 40% डिस्काउंट के ऊपर दिखा रहा है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो ये $509 का है अभी, बट इसका वैसे प्राइस $850 था। एंड आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे इतना महंगा बैग, अरे इतना महंगा बैग, लेकिन आपको बताऊं अगर यही आप किसी और वेल नोन ब्रांड में अगर सेम क्वालिटी का बैग लेने जाओगे वो आपको कम से कम $2,000-$4,000 का मिलेगा। तो ये कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है उन सब ब्रांड से, ये भी अपने आप में ब्रांड है। और अगर अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है, खाली ब्रांड नेम की मैं मानती हूँ वैल्यू है, मैं ये नहीं कहती नहीं वैल्यू है, बट ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, एक डिसेंट ब्रांड है, जो ब्रांड में लग्जरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। तो चलिए कैसा लगा आपको मेरा ये सेल्फ गिफ्ट मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अभी मेरे पास टेडी ब्लेक के हो गए 3 बैग, आई डोंट नो अभी नेक्स्ट वन मुझे लग रहा है कि कुछ डार्क कलर का भी होना चाहिए। मैंने एक मैरून कलर का टेडी ब्लेक का बैग पसंद कर रखा है, अभी मैंने खरीदा नहीं है, सो लेट्स सी इन फ्यूचर मे बी आई विल बाय वन मोर टेडी ब्लेक दैट मैरून कलर बैग वेरी वेरी सुन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे आपको सारे डिस्काउंट कोड हर चीज आपको मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको चेक कीजिएगा सो दैट यू कैन सेव सम मनी। टेक केयर फॉर नाउ, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।